हे साईनाथ, अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? हे साईनाथ, ये किस दुविधा में डाल दिया आपने हमें? अगर हम दादी सा की जान बचाना चाहते हैं तो अर्जुन को नुकसान पहुंचाना होगा। हम अपने अर्जुन को चोट कैसे पहुंचाए साईनाथ? हम दादी सा की जान कैसे बचाए? अर्जुन, अर्जुन, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन, अर्जुन रुक जाइए। अर्जुन, अर्जुन छोड़िए नहीं। जी आपकी दादी का अर्जुन, आपकी दादी का अर्जुन। सुन रहे हैं आप? सुन, छोड़िए नहीं अर्जुन, छोड़िए नहीं अर्जुन। ये आप क्या कर रहे हैं? होश में आइए अर्जुन, होश। छोड़ दीजिए आपकी दादी का अर्जुन, छोड़ दीजिए अर्जुन। हे साईनाथ, हमें माफ कीजिएगा। दादी सा की जान बचाने के लिए हमें अपने पति पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हम त्रिकुण लोक की महारानी नहीं है।
हमें तो महारानी अमृता ने यहाँ की देखरेख के लिए नियुक्त किया है। पर आप तो महारानी सुरमया की बेटी हैं। हाँ, परंतु माँ ने ही ये राज्य अमृता को सौंपा। त्रिकुण लोक की नई रानी, आज से तुम उनकी इच्छा का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसीलिए हमारे लिए इस राज्य की महारानी अमृता ही है, आज वो संकट में है, हमें उनकी मदद के लिए जाना ही होगा, आप चिंता मत कीजिए अमृता, आपके पति बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमने इन्हें अपनी शक्ति से रोक दिया है, परंतु हम ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। क्या आप अर्जुन को हमेशा के लिए ठीक करने का तरीका जानती हैं? हम तो थक चुके हैं। भक्ति और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करके देख लिया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे मयूरी, अर्जुन के सर पर तो खून सवार है। वहां देखिए अर्जुन ने दादीसा की क्या हाल की। ये दादीसा को क्या हो रहा है? ये तो काले जादू का प्रभाव, हम जानते हैं ये सब कुछ वो तांत्रिक भैरवनाथ कर रहा है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें तांत्रिक की काली पूजा को रोकना होगा, तभी आपकी दादीसा इस अवस्था से मुक्त हो पाएंगी, वरना इनका पूरा शरीर पिघल कर ये गायब हो जाएंगे। अमृता चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन मयूरी, अर्जुन तो बेहोश है, हम कैसे चल सकते हैं? उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन उनके होश में आने से पहले ही हमें इस शैतानी आत्मा को उनके शरीर से निकालना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, आज हम उस तांत्रिक को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
तो इस पूजा का प्रभाव था अमृता, इस तांत्रिक की यह पूजा हमें भंग करनी होगी। हमें पता था तुम आओगी अमृता, पर कोई लाभ नहीं होगा, इस पूजा को भंग करने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता होगी। आज वही होगा, जो हम चाहते, जय महाकाल। मयूरी, इस पूजा का प्रभाव खत्म करने के लिए हमें मर्दन पूजा करनी होगी। Ah!
नहीं नागिन, नहीं नागिन, आज हम तुझे विजयी नहीं होने देंगे, विजयी नहीं होने देंगे। सावधान मैं रही, तांत्रिक अपने भीम के स्वर से हमें हमें कैद करना चाहता है। हमसे मुकाबला करना कोई सरल कार्य नहीं है अमृता, नहीं है अमृता। आज हमारी इस काली पूजा को, इस काली पूजा को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां से चलो मैं, नहीं अमृता, हम इस तांत्रिक का सामना करके अभी इसकी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। यहां से चलो मयूरी, बीन के धुन के सामने हम लोग मजबूर हैं, हमें अपने आप को बचाना होगा ताकि तांत्रिक अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अरे अरे, भैरवनाथ के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं दिख पाए तो तू चीज ही क्या है, तू चीज ही क्या है। जय महाकाल, जय महाकाल। हमारी मृदंग पूजा तो अधूरी रह गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दादी सा और अर्जुन को हम किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते मयूरी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम समझ के हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि तांत्रिक की शैतानी तांडव को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? ये पूजा तभी रुक सकती है जब इस अग्नि कुंड में किसी की जिंदगी की आहुति दी जाएगी, आहुति दी जाएगी। जिंदगी की आहुति? जिंदगी की आहुति? हाँ मयूर, हाँ मयूर, यही एक रास्ता है। हमारी मृदंग पूजा के नृत्य बहुत कमजोर है, तांत्रिक की शैतानी शक्तियों के सामने ये कुछ नहीं कर पाएगा, और अर्जुन के शरीर के अंदर बसी जो आत्मा है वो बहुत खतरनाक है। दादी साहब धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है मयूरी, बस यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। सुनिए ना, सुनिए ना, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बहू, बहू, आज से ये घर आपका भी है, घर आपका भी है, इस घर के सुख दुख आपके हैं, सुख दुख आपके हैं, और वो सारे अधिकार भी आपके हैं, अधिकार भी आपके हैं, जो हम सबके हैं, हम सबके हैं। चलो आप हमारे लिए बहुत अनमोल है अर्जुन, आपने, आपके परिवार ने हमें बहुत प्यार दिया। अब एक पत्नी और एक बहू होने के नाते कुछ फर्ज हमारे भी बनते हैं, हमारे भी बनते हैं। आपके परिवार की खुशियों के नाते हम अपनी जिंदगी की आहुति देंगे।